Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बेटे कहाँ जाने की तैयारी है? लोग घरों में बैठ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो। दोस्तों के पास जाना है, हमारे खुदा बार वक्त मुझे रोकती है बाहर जाने से। नहीं जाना है आपने, आपको पता है ना हालात किस तरह के हैं, बाहर कितना लोगों ने सख्ती की हुई है, पुलिस वाले खड़े हैं, फजूल में डंडे शंडे मारेंगे फिर आप। अल्लाह हाफिज। बहू जाने दे उसे, क्या उसका जीना हराम कर दिया है? लड़की नहीं है वो कि घर में बैठ जाए। अम्मा आप बात को समझती क्यों नहीं है? आपको पता है पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, आपको बस पड़ी हुई है कि छोड़ दो, सख्ती नहीं करो। ये पुलिस वाले पागल हो गए, जिसने भी देखा डंडा उठाया हुआ है। क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हो गया बेटा? पुलिस वालों ने ऐसे सख्त मारा, पता नहीं क्यों, मैंने क्या किया, मेरा जुर्म क्या था? बस सिर्फ दोस्तों के पास जा रहा था, दोस्तों ने बुलाया था। सत्यानाश हो जाए, इन पुलिस वालों का बेड़ा गर्क हो जाए। ओ बहू ओ नाश पिटी हो, कहां मर गई हो? इधर मर, देख बच्चे की क्या हालत हो गई है। क्या बात है अम्मा जी, मैं आ रही हूँ, काम कर रही थी। दूसरे क्या हो गया बेटे आपको? ये कि मना किया था ना बाहर नहीं जाना। ये पुलिस वाले क्या समझते है अपने आप को, इनको नहीं लगता है कोरोना वायरस जो खुद बाहर घूमते हैं और उनके पास है। तो यही तो आपको मैं समझा रही थी जाने से पहले कि वो हमारे लिए खड़े हैं, आपकी हिफाजत के लिए करें। ये गवर्नमेंट वाले जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये पुलिस वाले, ये डॉक्टर, ये सब किस लिए खड़े हैं बेटे? बस हमारी हिफाजत के लिए खड़े। बस कर, दो जमाने क्या पढ़ लिया, दो जमाते क्या पढ़ लिया, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, जब देखो बच्चे को डांटती रहती है। अम्मा आपको तो समझाना वैसे ही बहुत मुश्किल है, बच्चे का क्या हालत कर दी आपकी वजह से हुआ है। मैं कह रही थी ना आपको कि नहीं भेजे। घर पे भी तो नहीं बैठ सकते ना, लड़की तो नहीं हो, लड़का हो, घर लड़कियों की तरह तो नहीं बैठ सकता। मुझे पता है आप लड़की की तरह नहीं बैठ सकते, लेकिन ये सब जो इंतजाम गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए कर रही है, हमारी हिफाजत के लिए कर रही है, वो भी बेचारे जान पे खेल के बाहर खड़े हुए। आपको पता है इन्फेक्शन आप बाहर से अंदर लेकर आओगे, दादी को लगेगा, छोटी बहन को लगेगा, मुझे लगेगा, भाई को लगेगा, आपको एहसास नहीं है बेटे इस चीज का, आपको खुद समझना चाहिए। तेरी माँ सही कह रही है, क्यों नहीं मानता बात तू उसकी, घर में बैठने से क्या होता है, कुछ ही दिन की तो बात है। चलो अगर मेरे घर बैठने से मुसीबत खत्म होता है तो मैं बैठ जाता हूँ घर पे। क्या हो गया बहू, क्यों डांटती रहती है हर वक्त बच्चे को? बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, भाभी हो जाएगा, घर को हाथ से निकल जाएगा तेरे, फिर मत पताना। अम्मा आपको पता है मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ, आपको हालात पता है ना बाहर के कैसे हैं, हर कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है। हमारी गवर्नमेंट चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है, हमारे जवान घर से बाहर निकल आए हैं, फौजें हमारी ताबुन कर रही हैं, हमें भी तो इनके साथ ताबुन करना चाहिए ना। ये तकरीबन हमारे हर घर की कहानी है, बच्चों को समझाना बड़ों को समझाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि बाहर जितने भी हमारे फ्रंटलाइनर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी लाइफ्स को रिस्क पे रख के ही बाहर निकले हैं, उन्होंने भी वापस फैमिलीज में जाना है, और उनके लिए भी हमारा इतना ही कंसर्न होना चाहिए जितनी हमारी अपनी फैमिलीज के लिए है। तो उनका काम आसान बनाइए प्लीज, घर में बैठिए अपने प्यारों के लिए और हमारे फ्रंटलाइनर्स के लिए। थैंक यू सो मच।